सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हेनरी कैवल की मुस्तैद के ड्रामे के बारे में, जिसे फाइनली मिशन इम्पॉसिबल मूवी के डायरेक्टर क्रिस मैक्यूनी ने क्लियर कर दिया है कि असल में उन लोगों ने हेनरी कैवल को मुस्तैद निकालने की परमिशन क्यों नहीं दी। वेल, तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस ड्रामे से जस्टिस लीग फिल्म पर क्या असर हुआ था, और हमें उस फिल्म में सुपरमैन की शक्ल बहुत ही बेकार दिख रही थी, क्योंकि सुपरमैन की शक्ल पर उस टाइम पर मुस्टैच और बियर्ड थी, जिसे स्टूडियो ने सीजीआई की मदद से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी सुपरमैन बहुत ही खराब दिख रहा था, खास करके बड़ी स्क्रीन पर। वेल, तो इन सब में डीसी के फैंस को ये लगा कि शायद पैरामाउंट पिक्चर ये चाहता है कि जस्टिस लीग मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाए। वेल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस बात की क्लियरिफिकेशन मिशन इम्पॉसिबल के डायरेक्टर क्रिस ने काफी अच्छी तरीके से बताई कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया कि हेनरी कैविल अपनी मूछे नहीं निकालेंगे। हालांकि वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स को 3 मिलियन का ऑफर दिया था कि स्टूडियो चाहता है हेनरी कैविल अपनी मुस्टैच निकालकर जस्टिस लीग के कुछ रीशूट्स करे, उसके बाद आप लोग फिर से हेनरी कैविल को थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, जिसके बाद उसकी बियर्ड और मूछे फिर से आ जाएगी, या फिर आप यहाँ पर कुछ VFX का यूज कर लीजिए जिसमें हेनरी कैविल की CGI वाली बियर्ड और मुस्टैच काफी अच्छी लगेगी। तो एक हिसाब से स्टूडियो का भी कहना सही था, क्योंकि अगर वो लोग VFX की मदद से हेनरी कैविल की मुस्टैच और बियर्ड को दिखाते तो वो अच्छी लगती। लेकिन बात करें IMAX लेंस की, तो क्रिस्टोफर मैक्यूनी ने पैरामाउंट फिल्म के प्रोड्यूसर जैक मेयर्स को ये समझाया कि अगर हमने फेक मुस्टैच के साथ में फिल्म को शूट किया तो फिल्म 75mm लेंस पर काफी बेकार दिखेगी, और IMAX में ये चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से नजर आएगी कि हेनरी कैविल पर जो मुस्टैच है वो फेक है। तो ये चीज जब पैरामाउंट पिक्चर को पता चली तो उन लोगों ने ये डील कैंसिल कर दी और कहा कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज काफी अलग बनती है और फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से वेट भी कर रहे हैं, और ऐसे में जो डेट फाइनल की गई है स्टूडियो की तरफ से, वो लोग उसी डेट पर इस फिल्म को रिलीज करेंगे। तो एक हिसाब से यहाँ पर वार्नर ब्रदर्स को काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसका रिजल्ट हम सबको पता है। बस तो यही एक छोटा सा रीजन था जिसकी वजह से स्टूडियो ने हेनरी कैविल को अलाउ नहीं किया कि वो अपनी मुस्टैच और बियर्ड निकाल दे। हालांकि इसके पहले हेनरी कैविल ने एक और फिल्म में काम किया था, और उस फिल्म का नाम था नाओमीज। उस फिल्म में उनकी बड़ी बियर्ड, दाढ़ी और बाल थे। उसके बाद उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट फिल्म में काम शुरू किया, और जब वो उस फिल्म के लिए पहुंचे तो स्टूडियो ने उनसे ये कहा कि वो अपनी सारी बियर्ड और मुस्टैच निकाल दे, क्योंकि इस फिल्म में उन्हें एकदम स्मार्ट दिखना है। लेकिन फिर बात निकली कि हेनरी कैविल ने पहले ही ऐसे लुक में काम किया हुआ है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज शायद द मैन फ्रॉम अंकल से इंस्पायर है, क्योंकि उस फिल्म में हमने हेनरी कैविल को एक एजेंट का रोल करते हुए देखा था, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर हेनरी कैविल के फेस पर बियर्ड और मुस्टैच रखी। वेल, तो ये था वो असली ड्रामा हेनरी कैविल की मुस्टैच का, जिसे अब फाइनली रिवील कर दिया गया है। वेल, तो आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।